आज हम लोग विराट आरोग्य यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक संकल्प लेंगे और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुष्ट आचरणों को, गलत अभ्यासों को दूर करेंगे और प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करने का हम एक संकल्प के साथ जुड़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज का यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अज्ञाव प्रखंड के ऐतिहासिक डारी टोला काली मंदिर के विराट प्रांगण में नीम वृक्ष के नीचे चल रहा है और आप सभी दिव्यात्माएं यहाँ उपस्थित हैं और 5 दिनों तक लगातार हम लोगों ने योगाभ्यास किया है। अंदर से पावन और पवित्र होने का हम लोगों ने लगातार अभ्यास किया है और आज 5वें दिन जो आरोग्य यज्ञ हवन यज्ञ करने का सौभाग्य मिल रहा है, यह लाखों जन्मों में किसी किसी को प्राप्त होता है। तो आइए आचमन मंत्र से, अग्निहोत्र विधि से हम 3 बार आचमन करेंगे। हमारे दाहिने हथेली में जल है और जब हम स्वाहा कहें तो स्वाहा सबको ही बोलेंगे और स्वाहा कहते ही इस जल को मुख में अंदर डाल करके पी जाना है, कंठ को भिगा देना है। ऐसा 3 बार हम लोग करेंगे भावनात्मक रूप से। भाइये ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा, पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। अब थोड़ा दाहिने से हाथ करके और इसको रगड़ लेंगे, शुद्ध कर लेते हैं और बाएं हथेली को आगे करिए। बाएं हथेली आगे ध्यान मुद्रा में और दाहिने हाथ को उठाकर अंगूठा, तर्जनी और एक कनिष्ठ तीनों अंगुली को मिलाएंगे और बीच की 2 अंगुली से हम स्पर्श करेंगे हथेली में और जिस अंग का हम नाम लेंगे उस अंग को हमें छूना है, स्पर्श करना है और छूते ही पहले दाहिने से छुएंगे फिर बाएं छुएंगे। छूते ही हमको ऐसा लगे कि हे परमात्मा, उस अंग के जितनी बीमारियां हैं दूर हो गई, दूर हो रही हैं और आजीवन उस अंगों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगे, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से। तो आइए अंग स्पर्श मंत्र से ओम वांग में आए अस्तु, मुख के दाहिनी तरफ और मुंह के बाईं तरफ यानी ओठ के दाईं तरफ, ओठ के बाईं तरफ छुएंगे और प्रभु से प्रार्थना के हे प्रभु, मेरे ओठ में, मेरे जीवा में, मेरे तालू में, मेरे कंठ में, मेरे मसूड़ों में, मेरे मुख में किसी प्रकार की कोई रोग ना हो और जो रोग है पहले से वो रोग आज हमसे दूर हो रहे हैं, ऐसा मन में भाव। और मेरे मुख से कोई यदि शब्द निकले तो अब शब्द ना निकले, गाली ना निकले, क्रोध ना निकले, ऐसे पवित्र ईश्वर की तरह हम जीवन को जी सके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। ओम बार बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओम नसोर में प्राण वस्तु, नाक के दाहिनी तरफ और नाक के बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे नाक से जो सांस लेने की शक्ति है, प्रक्रियाएं हैं, वो हमेशा निर्बाध रूप से चलता रहे और मेरे नाक में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो और जो सूंघते हैं वो सूंघने की शक्ति भी हमेशा बनी रहे। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु, आँख के दाईं तरफ और आँख के बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे आँखों में चश्मा ना लगे, आँखों में मोतियाबिंद ना हो और इन आँखों से किसी भी माँ बहन को देखें तो उसमें अपनी माँ बहन बहू बेटी दिखाई पड़े, ऐसी शक्ति इन आँखों में हे परमात्मा दे दो। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, कान के दाहिनी तरफ और कान के बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे कान के पर्दे में कभी छेद ना हो, कान में अंदर कोई घाव मवाद ना हो और कान से जो हम सुनते हैं वो सुनने की शक्ति हमेशा निर्बाध रूप से बनी रहे, ऐसी शक्ति हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं। ओम बाह्योर में बलमस्तु, कंधा के दाहिनी तरफ और कंधा के बाईं तरफ,
कि हे परमात्मा, मेरे कंधे में किसी प्रकार के, मेरे हथेलियों में, मेरे केहुनी में, मेरे कलाइयों में किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई दर्द, कोई व्याधि, कोई रोग ना लगे, और ये हाथ यदि कभी उठे तो मुर्गा मारने के लिए नहीं उठे, ये हाथ उठे तो बकरा काटने के लिए नहीं उठे, ये हाथ उठे तो बंसी लगा करके आहर पोखर नदी नालों से मछली बाहर निकाल करके तड़पा तड़पा के मारने के लिए हाथ नहीं उठे, बल्कि ये हाथ उठे तो किसी दिन दुखियों की सेवा और किसी पीड़ितों की सेवा के लिए उठे, यह हाथ उठे तो किसी की रक्षा के लिए उठे, ये हाथ उठे तो भगवान कृष्ण की तरह, राम बुद्ध की तरह, लक्ष्मी दुर्गा काली सरस्वती की तरह पूरे परिवार, गांव, राष्ट्र और विश्व के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उठे, ऐसी शक्ति है प्रभु मेरे हाथों में दे दो। ओम उर्वोर में ओ जो मस्तु, घुटना के दाहिनी तरफ और घुटना के बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे कमर से लेकर के, मेरे जंघाओं से लेकर के, घुटना से लेकर के, पिंडली और एड़ी तलवा से लेकर के, शरीर के पैरों के अलग अलग प्रकार के जोड़ों में किसी प्रकार का कोई दर्द ना हो, कोई रोग ना हो, कोई व्याधि ना हो, ऐसी शक्ति हमें प्रभु दे दो। ऐसी शुभकामना मंगल कामना के साथ हम अंग स्पर्श के माध्यम से हम अंगों को निरोग रखने का, अंगों को हम बीमारी से दूर रखने का एक भाव प्रकट करते हैं। ओम हरिष्ठानी महंगानी तनु संतवा मे संतु, शरीर के चारों तरफ छिड़कते हैं कि हे परमात्मा, जिन अंगों का नाम लिए वो भी दुरुस्त रहे, निरोग रहे, और जिन अंगों का हमने नाम नहीं लिया है वह अंग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उन अंगों में भी किसी प्रकार की कोई व्याधि रोग नहीं लगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक आर्य धर्म की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, काली मैया की जय, सूर्य देवता की जय, छठी मैया की जय, हवन देवता की जय, यज्ञ देवता की जय, उपस्थित नर नारियों की जय।